आज राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे और नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे थे, ठीक उसी समय बाहर जदयू के कार्यकर्ता यह नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इस बीच दिल्ली में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होर्डिंग ने भी मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन होर्डिंग्स में नीतीश की फोटो के साथ लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। एक ही दिन में ललन सिंह का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना और नीतीश कुमार का पार्टी अध्यक्ष बन जाने से लेकर नीतीश के पक्ष में लग रहे नारे और उनके होर्डिंग्स बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। समझा जा रहा है कि यह सारी पटकथा नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लिखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के तमाम सांसद और विधायक भी यह संकेत दे रहे हैं कि नीतीश विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं। याद कीजिए, बीजेपी से अलग होने के बाद खुद नीतीश कुमार भी कई बार बोल चुके हैं कि 2024 के लिए वह पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने खुद को पीएम पद का दावेदार बता दिया था। विपक्ष को एकजुट करने का काम उन्होंने किया भी। इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है और नीतीश कुमार ही वो राजनेता हैं जो तमाम अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ मंच पर लाने में कामयाब भी हुए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जदयू नीतीश का चेहरा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती है ताकि इंडिया अलायंस पर एक दबाव बना रहे। इंडिया अलायंस में पार्टी नीतीश कुमार का चेहरा मजबूती से रखना चाहती है, जिसमें ललन सिंह फेल माने गए। दरअसल 19 दिसंबर को हुई इंडिया अलायंस की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर दिया, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन कर दिया। बताया गया कि ममता की यह बात सुनकर नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर तक लग गए थे। कहा गया कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार और उनकी सियासी हैसियत और उनके राजनीतिक रुतबे को लेकर इंडिया अलायंस में मजबूती से उनका पक्ष नहीं रखा, इस वजह से खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे कर दिया गया। लिहाजा सियासी जानकार ताज़ा घटनाक्रम को नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने से जोड़ कर देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक है, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का, मैं कह रहा हूँ हैं वो। उन्होंने सामाजिक न्याय के सवालों को इतनी प्रखरता दी है, वो तो इस विचार के ही संयोजक है। जेडीयू, आरजेडी और सपा उत्तर भारत के तीन बड़े विपक्षी दल हैं और बगैर इनकी सफलता के इंडिया गठबंधन की सफलता मुश्किल होगी। उधर देश में इस वक्त पिछड़े वर्ग की राजनीति को भी काफी हवा मिल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का एक उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। वहीं यदि नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव में अविश्वसनीय सीटें ले आती हैं, तो नीतीश कुमार के दावे में भी दम होगा। फिलहाल तो कुछ सालों से लगातार जेडीयू की स्थिति खराब हुई है, वहीं बार बार गठबंधन बदलने के चलते भी नीतीश कुमार की छवि को नुकसान हुआ है। ऐसे में पीएम पद के दावे की राह में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।